हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरती गुप्ता। आज मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ बेला देवी। आज मैं जा रही हूँ बेला देवी दर्शन करने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोग को भी लेके चलती हूँ बेला देवी दर्शन करवाने के लिए माता के मंदिर में। वैसे आज सैटरडे है तो आज मैं जा रही हूँ। वैसे वहाँ पे मंडे और फ्राइडे को मेन वो दिन रहता है वहाँ जाने का, मेला वगैरह सब लगता है, लेकिन मैं आज ही जा रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोग को भी वहाँ पे दर्शन करवाती हूँ। वैसे मेरा वीडियो अच्छा लगता हो आप लोग को तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं बेला देवी के मंदिर, आपको भी दर्शन करवाते हैं। वैसे ये प्रतापगढ़ में है, पता होगा बहुत लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा तो मैं आज लेके चलती हूँ आप लोग को, तो आप लोग वहाँ पे देखिए क्या कैसा है। तो आइए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। आज सैटरडे रहेगा तो आई थिंक वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि मंडे और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और माता रानी का बहुत पुराना मंदिर है तो यहाँ मतलब विख्यात है, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं और आसपास के लोग तो जानते ही हैं क्या है। और चलो ठीक है, चलते हैं बेला देवी। ओके, मैं पहुंच गई हूं माता रानी के दर्शन के लिए। मैं आ गई बेला देवी। हम सबसे पहले चलेंगे प्रसाद लेने। ये हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद फूल माला लेंगे, क्योंकि फूल माला अंदर मिलता नहीं तो हमको, सॉरी बाहर मिलता नहीं तो हम अंदर से लेंगे। तो हम आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे मतलब ये धर्मशाला वगैरह हैं। यहाँ पर इंगेजमेंट वगैरह भी होती है, लोग आते हैं और भी यहाँ फंक्शन वगैरह होते हैं, लोग आते हैं और भी फंक्शन वगैरह करते हैं। तो हम फूल माला ले लिए। फूल माला लेने के बाद हम अंदर आ गए हैं मंदिर में। ये पुजारी हैं, हम लोग का मतलब प्रसाद लेके यही चढ़ाए वगैरह। अंदर जाना मना है क्योंकि हम लोग ऐसे भगवान को टच नहीं कर सकते, आई मीन माता रानी को। हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम आ गए पीछे साइड। पीछे साइड जहाँ पे गेट है यहाँ अगरबत्ती वगैरह जला के पूजा किया जाता है। तो हम यहाँ माथा टेके। माथा टेकने के बाद ये साइड का व्यू था। अब इसके पीछे हम चलते हैं, माता रानी के मंदिर के पीछे चलते हैं, जस्ट जहाँ पे माथा टेका जाता है। तो हम लोग यहाँ से माथा टेक के आशीर्वाद लेते हैं माता रानी का। देन हम चलेंगे नीचे। नीचे हम चल के नारियल वगैरह तोड़ेंगे, क्योंकि लड़कियाँ नारियल तोड़ती नहीं हैं। तो ये हमारे आशू आए थे और स्वरित आया था हम लोग के साथ, तो ये दोनों नारियल तोड़े और माता रानी को चढ़ाए। माता रानी को चढ़ाने के बाद ये जस्ट माता रानी के मंदिर के पीछे ही है ये सिस्टम। उसके बाद हम और मंदिर चलते हैं। यहाँ पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी मंदिर हैं और बहुत सारे भगवान हैं। मोस्टली हमको लगता है सारे भगवान यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये हम चल रहे हैं, ये रही हमारी माता जी। यहाँ पर बहुत सारी मतलब माता रानी हैं और भी भगवान हैं। हम सबके दर्शन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। करने के बाद हम चलेंगे महादेव के पास। महादेव के पास चलने के बाद उसके पहले हम चलेंगे चुनरी बांधने। यहाँ मन्नत पूरी होती है तो हम चुनरी बांधेंगे। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे बांधे हैं, तो हम यहाँ चुनरी अच्छे तरीके से बांधेंगे। लोग बोलते हैं कि अच्छे तरीके से बांधने पे मन्नत वगैरह पूरी होती है और खुलना नहीं चाहिए, इस तरह बांधा जाता है। तो हमने गार्ड कर दिया है अच्छी तरीके से। ये हम आ गए महादेव के मंदिर। हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पंडा खड़ा रहता है जो कि चंदन वगैरह लगाता है। चंदन लगाने के बाद हम दर्शन करते हैं। और वैसे शाम को आए थे तो भी इतनी सारे मतलब बहुत पब्लिक थी, भीड़ भी था, तो हम अच्छे से वीडियो नहीं वो कर पाए, लेकिन जितना बना पाए वो मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। फिर हम ये माता रानी के आगे के साइड, ये साइड में है, ये नदी के पास में मंदिर है। यहाँ पर भी हैं तीन चार भगवान जी। हम आ गए यहाँ पे, अब यहाँ दर्शन करेंगे। वैसे मैं आपको सारा मतलब दिखा दे रही हूँ यहाँ पर क्या और कैसे होता है और कौन कौन से भगवान हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए हमारी माता रानी। हम यहाँ पर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम आते हैं बाहर। बाहर आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ रात का व्यू यहाँ कैसे दिखता है। ये देखिए नदी। नदी के बाद हम चल रहे हैं बाहर। बाहर आने के बाद यहाँ पे एक और मंदिर है जहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर, और बहुत सारी जितनी माता और भी भगवान जितने हैं सब यहाँ पे हैं।
एक ही जगह पे बहुत सारे भगवान और बहुत सारी माता रानी है, तो मैं आपको यहाँ पे सो करवाऊँगी। तो मैं यहाँ अंदर एंट्री करती हूँ तो यहाँ पंडित जी आरती करने के लिए बोलते हैं, तो हम लोगों ने सब ने बारी बारी करके यहाँ आरती वगैरह किया, पूजा किया। फिर पूजा करने के बाद प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद हम सब भगवान का माथा टेकते हैं बारी बारी करके, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे भगवान थे। तो मैं आपको सारे भगवान का दिखाती हूँ, देखिए। वैसे ये मंदिर काफ़ी पुरानी है, मंदिर ये काफ़ी टाइम से है, हमको लगता है हम लोग जब नहीं थे तब से, और उसके हो सकता है पहले से ही, हमको इतना आइडिया नहीं है, बट ये है कि काफ़ी टाइम पहले की है मंदिर। तो देखिए हम आ गए हैं, पूरा आपको मैंने दिखा दिया, जितने यहाँ पे भगवान थे, देवी देवता वगैरह थे, मैंने सबका दिखा दिया। हम आ गए हैं बाहर, बाहर देखिए यहाँ पर मैंने पूरा व्यू दिखाया है। व्यू दिखाने के बाद पीछे के साइड हम चलते हैं मंदिर के पीछे, यहाँ पे मेला वगैरह ऐसा लगता है, और यहाँ परमानेंट ये सारी जो दुकानें हैं ये खुली रहती हैं। बाय बाय।